हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इसमें साइंस पोर्शन से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चन मतलब हो गया 60 मार्क्स। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लड़के अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे रहा है, ठीक है। और लेवल क्या रहेगा जेएसएससी का, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई भी लेवल रहे, उसको तोड़ने के लिए जो है मैं आपके पास आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, एक बुक आपको दिख रहा होगा, खान सर का 15,000 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन 15,000 है। लेकिन ये बुक सबके पास नहीं होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बुक नहीं है तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं आपको हर एक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, जैसे फिजिक्स का हो गया चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया, बायोलॉजी का चैप्टर हो गया, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ। और उससे उस चैप्टर से बाहर आपको जेएसएससी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेएसएससी के जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं सबको एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद रेलवे में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएसएससी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि ये टॉपिक के अलावे और कोई टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो सबसे पहले यहाँ फिजिक्स में देखिएगा, मात्रक से क्वेश्चंस आपके आएंगे, मात्रक मापन जो होता है उससे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। विभिन्न आविष्कार एवं खोज से आने वाले हैं, यांत्रिकी से आने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आएंगे, यांत्रिकी से जो आएगा उसके तरल यांत्रिकी, उष्मा गति की आपको नहीं पढ़ना है, तरंग एवं उनके गुणधर्म पढ़ लेने हैं थोड़े, ध्वनि से आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश से एक दो क्वेश्चन रहेंगे, विद्युत विद्युत धारा से क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन रहेंगे, नाभिक भौतिक से क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसके बाद विविध में जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, सबसे पहले देख लीजिए इतना टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इतना टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है, 10 से 20 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो है टाइम इस पर नहीं देना है। मैंने आपको पहले बताया था कि रेलवे का जो एक बुक आता है सामान्य विज्ञान, उसको आप बेहतर ढंग से पढ़ जाइए, और वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर निकालिए और उसमें पढ़ लीजिए, हमें शॉर्ट्स नोट्स दिया हुआ है और उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। जेएसएससी का जो है वो ट्रेंड चल रहा है कि इससे बाहर क्वेश्चन जेएसएससी नहीं पूछता है और ना ही पूछेगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं इस चैनल से बताने का प्रयास करूँगा। जीव विज्ञान में देख लीजिएगा, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ आपको पढ़ लेना है, प्रमुख जीव विज्ञान पढ़ना है, ऊतक और कोशिका दो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद अनुवांशिकी पढ़ लेना है आपको, उसके बाद ये देखिए 10 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मानव रोग आपको पढ़ लेना है, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे, पादप से पढ़ लेना है, और जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ लेना है, पादपों में जनन पढ़ लेना है, क्योंकि इससे जो है वो जेएसएससी हो सकता है कि इमेज वाला क्वेश्चन आपको दे दे बायोलॉजी में, कि इमेज दे देगा, पूछ देगा इस भाग का नाम क्या है, तो जैसे रेलवे में किया गया था उस तरह से भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रसायन विज्ञान, जो बहुत सारे छात्रों का द्विधा रहता है कि कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले परमाणु संरचना आपको पढ़ लेना है, परमाणु संरचना से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। अम्ल क्षार एवं लवण जो है बहुत ही इजी है, एक दिन तो लगेगा ही नहीं, 1 घंटा में आपका क्लियर हो जाएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आपको पूछ लेता है कि कितने तत्वों के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद ये देखिए, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है, धातु अधातु। इसमें जो है रसायन विज्ञान में जितने भी टॉपिक्स हैं सब जो है वो कम टाइम में पढ़ के कंप्लीट किया जा सकता है, और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कोई भी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ टॉपिक बता दिया है और इस टॉपिक से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना ही टॉपिक आपको कर जाना है। और जितना टॉपिक मैंने आपको यहाँ बताया है उतना टॉपिक को करने के लिए 15 दिन जो है वो एनफ टाइम है। 15 दिन अगर आप दे देते हैं इस टॉपिक्स को करने के लिए, तो साइंस में आपके 17-18 क्वेश्चंस आराम से यहाँ से टेली कर जाएंगे, ये निश्चित रूप से। आप इस टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। सो आप कोई भी बुक से पढ़ें, आप खान सर के बुक से पढ़ें, आप महेश वर्नवाल का जो एनसीईआरटी आता है उससे पढ़ लें, या सामान्य विज्ञान जो रेलवे का आता है उससे पढ़ लें, या अन्य कोई बुक हो तो उससे आप पढ़ लें जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उसे पढ़ लें, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बेहतर होंगे। अरे यहाँ अगर साइंस में अच्छे स्कोर कर देते हैं तो आप मेरिट में एज ले जाइएगा, ये निश्चित है, क्योंकि साइंस में सब स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं रहता है कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये बेहतर टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं।
और बेहतर होगा कि अगर अभी तक भी आप तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो 15 दिन का टाइम लगेगा। बाकी और भी जो सब्जेक्ट छूट गए हैं उसको मैं जल्द से जल्द बताने वाला हूँ कि किस तरह से पढ़ के आपको बचे हुए दिनों में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।